हेलो दोस्तों दोस्तों, आखिर एक मशीन ये कैसे पता लगा सकती है कि आप झूठ बोल रहे हैं क्या सच? हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पॉलीग्राफ टेस्ट यानी लाई डिटेक्टर टेस्ट के बारे में। आइए इसके बारे में पूरा बातचीत करते हैं, पूरा एनालिसिस करती है कि आखिर ये काम कैसे करती है। तो सबसे पहले जो विक्टिम है उसको एक रूम में लाया जाता है। उस रूम में पहले से एक डॉक्टर प्रेजेंट होती है या फिर फॉरेंसिक साइको फिजियोलॉजिस्ट वहाँ पे मौजूद होती है पहले से। तो सबसे पहले प्रोसेस है कंसेंट फॉर्म को फिलअप करना। तो जो विक्टिम होता है उसको एक कंसेंट फॉर्म दिया जाता है, वो उसको फिलअप करता है। फिर उसको एक चेयर में बैठने के लिए बोला जाएगा। सो उस चेयर में बैठने के बाद विक्टिम के ऊपर 8 ऐसे डिवाइसेस लगाई जाएगी जो पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए मैंडेटरी होती है। सबसे पहले डिवाइस के बारे में बात करते हैं जो है गैल्वेनोग्राफ। ये मशीन विक्टिम के इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर में लगाया जाता है। दोस्तों दूसरा डिवाइस का नाम है न्यूमोग्राफ। इस डिवाइस को विक्टिम के अपर एब्डोमेन और चेस्ट में लगाया जाता है। दोस्तों तीसरा डिवाइस है कार्डियोसिग्मोग्राफ जो कि लेफ्ट अपर आर्म में लगाया जाता है। ये और कुछ नहीं, ये वो ब्लड प्रेशर मापने वाला कप है जो अक्सर हम लोग देखते हैं। चौथा है इलेक्ट्रोडर्मल सेंसर जिसको लेफ्ट हैंड की हथेली में लगाया जाता है। दोस्तों पांचवा चीज है एक्टिविटी सेंसर पैड। इस मशीन को बॉडी के 5 अलग अलग जगह में लगाया जाता है, लेफ्ट पैर के नीचे, राइट पैर के नीचे, राइट एल्बो के नीचे और लेफ्ट एल्बो के नीचे और थाई के नीचे। और सिक्स्थ इंपॉर्टेंट डिवाइस है कैमरा। इस कैमरे से पूरा इंटरव्यू रिकॉर्ड होता है और जो विक्टिम होता है उसका टेम्परेचर मापा जाता है। सातवां और मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइस है ये पॉलीग्राफ। ये पॉलीग्राफ मेनली 5 डिवाइस से कनेक्ट है और 8वीं डिवाइस जो है एक लैपटॉप उससे भी कनेक्ट होती है ये पॉलीग्राफ। दोस्तों ये जो पॉलीग्राफ मशीन है इसका काम क्या है? दोस्तों बॉडी में जो 5 मशीन्स लगे हैं, इस पॉलीग्राफ का मेन जो काम होती है, जो 5 डिवाइसेस विक्टिम के बॉडी के ऊपर लगी हुई है उसका फिजियोलॉजिकल जो एक्टिविटी है बॉडी का उसको रिकॉर्ड करके एक ग्राफ में कन्वर्ट करके उस लैपटॉप में भेजना। तो कौन सा क्या मशीन क्या काम करती है वो तो हम लोग को पता लग गया है। अब बारी है जो विक्टिम है उसका इंटरव्यू या लाई डिटेक्टर टेस्ट स्टार्ट करने का। तो रूम में जो डॉक्टर बैठे हैं, जो विक्टिम है उनसे कुछ सेट क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। तो जो पहला पार्ट होता है वो है कंट्रोल्ड क्वेश्चन, दूसरा पार्ट को कहा जाता है रेलेवेंट क्वेश्चन और तीसरा पार्ट को कंपैरिजन क्वेश्चन। तो जो कंट्रोल्ड क्वेश्चन होता है उसमें विक्टिम को कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे उसका नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका एड्रेस एसेट्रा एसेट्रा। तो जैसे विक्टिम को पता चलता है कि उसका लाइव डिटेक्टर टेस्ट होने वाला है तो उसका फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में चेंजेस होना जायज है। जैसे विक्टिम का हार्ट बीट बढ़ेगी, उसका जो रेस्पिरेटरी रेट है और ब्लड प्रेशर में बदलाव आना जायज है। तो सबसे पहले डॉक्टर जो कंट्रोल क्वेश्चन पूछता है वो जो एक्स पर्सन या विक्टिम है उसको काम बनाने के लिए पूछा जाता है, यानी कि जो माहौल है उसको ठंडा करने के लिए पूछा जाता है। और उस डॉक्टर को पता है अगर विक्टिम झूठ बोलता है तो उसका कौन सा फिजियोलॉजिकल पार्ट में चेंजेस आएंगे। तो कंट्रोल क्वेश्चन खत्म होने के बाद अब बारी है रिलेवेंट क्वेश्चन की। तो इस पार्ट में विक्टिम से कुछ टॉपिक या क्राइम रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि मर्डर तुमने किया है, चोरी तुमने किया है एसेट्रा एसेट्रा। अगर विक्टिम झूठ बोल रहा है तो 99% केसेस में लाई डिटेक्टर टेस्ट में इस पार्ट में विक्टिम को पकड़ा जाएगा। अब ये समझते हैं कि उस डिवाइसेस से वो पकड़ा कैसे जाएगा। तो जो सबसे पहला डिवाइस आता है वो है गैल्वेनोग्राफ। इस गैल्वेनोग्राफ को विक्टिम के ऊपर इसीलिए लगाया गया है क्योंकि सबसे ज्यादा पोर्स या क्षेत्र ह्यूमन बॉडी के फिंगर टिप्स में ही पाए जाते हैं। जैसे ही कोई ह्यूमन बॉडी झूठ बोलने लगता है तो उसका फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में भी चेंज आता है। तो अंदर स्ट्रेस में फिंगर टिप से जब स्वेट रिलीज होती है तो गैल्वेनोग्राफ में जो प्लेट लगी होती है वो स्वेट उस कॉन्टैक्ट में आएगा, पसीने में मौजूद जो सोडियम है उसमें रिएक्ट करके एक माइन्यूट इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करेगी और वायर्स के थ्रू उस पॉलीग्राफ डिवाइस में भेजेगा और पॉलीग्राफ डिवाइस उस सिग्नल को कन्वर्ट करके ग्राफ में उस लैपटॉप में दिखाएगा। सिमिलरली जो न्यूमोग्राफ विक्टिम के चेस्ट के ऊपर लगा है और कुछ नहीं, हॉलो पाइप है जो हर किसी के सिंक के नीचे लगी होती है। उस पाइप के अंदर हवा भरी होती है, जब विक्टिम झूठ बोलता है उसका सांस लेने का स्पीड कम या ज्यादा होगा और उसी सिग्नल को वो न्यूमोग्राफ कैप्चर करता है और पॉलीग्राफ डिवाइस में भेजता है और वही सिग्नल ग्राफ में कन्वर्ट होकर उस डॉक्टर को दिखा देगा। राइट हैंड के हथेली पर इलेक्ट्रोडर्मल सेंसर लगी हुई है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंसर है। इस डिवाइस का काम है गैल्वेनिक स्किन रेस्पॉन्स या GSR को मेजर करना। आइए जानते हैं कैसे काम करता है ये डिवाइस। एक लो अनडिटेक्टेबल और एक कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करेगा विक्टिम के बॉडी के ऊपर और झूठ बोलने पर विक्टिम के पाम में जो पसीना क्रिएट होगा और वो पसीना आने पर स्किन की इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कैसी है उसी सिग्नल को पॉलीग्राफ डिवाइस में भेजा जाएगा और डॉक्टर को पता चल जाएगा। रिसर्चर्स ने ये बताया है कि ये सिग्नल्स ह्यूमन बॉडी के सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से जनरेट होती है। दोस्तों नेक्स्ट डिवाइस है कार्डियोसिग्मोग्राफ जो लेफ्ट अपर आर्म में एकदम टाइटली बंधा जाता है और एक ट्यूब के माध्यम से उस पॉलीग्राफ में कनेक्टेड होता है। जब एक प्रेशर में ब्लड वेसल से ब्लड ट्रैवल करता है तो एक माइन्यूट इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन क्रिएट होता है और वही वाइब्रेशन के सिग्नल्स पॉलीग्राफ में जाता है और डॉक्टर को पता चल जाता है। और जो लास्ट डिवाइस है एक्टिविटी सेंसर पैड, इसका और कुछ काम नहीं है, बेसिकली मसल्स का मूवमेंट को मेजर करता है। ये डिवाइस भी पॉलीग्राफ को सिग्नल भेजेगा और ग्राफिकली शो करेगा लैपटॉप में। लास्ट डिवाइस आता है कैमरा जो कि सारा इंटरव्यू कैप्चर कर रहा था और जो एक्यूज्ड है या विक्टिम है उसका टेम्परेचर को भी मेजर करता है। दोस्तों इन डिवाइसेस का टेक्निकल एडवांसमेंट में ही मैं आपको बोल रहा था 99% विक्टिम्स को इस सेकंड राउंड में पकड़ा लिया जाता है।
यानी कि रिलेवेंट क्वेश्चन वाला राउंड नहीं पकड़ा जाता है। अगर कोई विक्टिम इसी राउंड को भी पास कर ले तो लास्ट और फाइनल राउंड कंपैरिजन क्वेश्चन का। इस राउंड में दोनों पार्ट में यानी कि कंट्रोल क्वेश्चन और रिलेवेंट क्वेश्चन का मिलावट करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपने उस क्राइम को किया है, या आपने उस चोरी को किया है, या आपने उस क्राइम को देखा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दोस्तों, इस पूरा प्रोसेस में हम लोग को ये पता चलता है कि लाइव डिटेक्टर टेस्ट कोई ऐसा टेस्ट नहीं है कि विक्टिम का झूठ या सच को पकड़ा जाए। लाइव डिटेक्टर टेस्ट बस विक्टिम का जो स्ट्रेस है या फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है उसको नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है, कोर्ट्स कभी भी लाइव डिटेक्टर टेस्ट को उतना मान्यता नहीं देते। कोर्ट कभी भी लाइव डिटेक्टर टेस्ट को वैलिड प्रूफ नहीं मानता है। तो दोस्तों, आई होप आपका बहुत हद तक डाउट सॉल्व हुआ होगा। अगर सॉल्व हुई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।